गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। ओके, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स देखेंगे और इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, थ्री टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को आज हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेशन को बताता है ऐसा एडजेक्टिव जो किसी के पजेशन को, किसी के अधिकार को बताता है, ऐसे एडजेक्टिव्स को पजेसिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। कौन कौन से इसमें आते हैं एडजेक्टिव्स? माय, आर, योर, हिज, हर एंड देयर। इसको हमने प्रोनाउन वाले चैप्टर में कायदे से समझा दिया था, ये प्रोनाउन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा पजेसिव एडजेक्टिव्स को, माय, आर, योर, हिज, हर एंड देयर को। चलिए एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स को यहाँ पर देख लेते हैं। दिस इज योर हाउस, ये तुम्हारा घर है। दिस इज योर हाउस, वैसे तो ये जो योर है ये समझ में आता है ना कि ये प्रोनाउन है, लेकिन ये एडजेक्टिव बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि योर तो अकेले यूज होना नहीं है इसको, ये आएगा भाई किसी नाउन के साथ ही, किसी नाउन, योर हाउस, योर पेन, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर मदर, योर फादर, तो ये किसी न किसी नाउन से आएगा, किसी किसी नाउन से पहले आएगा, उसको क्वालिफाई करेगा। तो जो नाउन से पहले जो वर्ड आता है ना, वो क्या हो जाता है? वो एडजेक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए से ये जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन ना होके पॉजिटिव एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। ओके, सेकेंड सेंटेंस, दैट इज माय हाउस, वो मेरा घर है। ये जो घर है इसके पहले माय वर्ड आ रहा है, तो ये वर्ड क्या होगा? ये होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। दीज आर आर ट्रीज, ये हमारे पेड़ हैं। और यहाँ पर जो आर है ये पॉजिटिव केस का प्रोनाउन है, और जब ये किसी नाउन से पहले आ रहा है तो फिर क्या बन जा रहा है? ये पॉजिटिव एडजेक्टिव बन रहा है। ओके, नेक्स्ट इज हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, उसका ड्रेस ब्यूटीफुल है। उसका ड्रेस, यहाँ पर जो ड्रेस है वो नाउन है और नाउन से पहले हर आ रहा है, तो हर क्या होगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट इज हिज फादर इज एन आर्मी ऑफिसर, उसके फादर आर्मी ऑफिसर हैं। फादर आपका नाउन है और फादर से पहले हिज आ रहा है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव। डियर परफॉर्मेंस इज अ प्रेज वर्थी, उनका परफॉर्मेंस प्रेज वर्थी है। देयर परफॉर्मेंस इज प्रेज वर्थी, उनका जो परफॉर्मेंस है वो प्रशंसनीय है, उनका जो कार्य है वो तारीफे काबिल है, प्रेज वर्थी है। तो परफॉर्मेंस इज अ नाउन, परफॉर्मेंस इज अ नाउन, और यहाँ पर नाउन से पहले यूज होने वाला जो वर्ड होगा वो एडजेक्टिव होगा। ओके, कौन सा एडजेक्टिव है यहाँ पर? This is possessive adjective. चलिए नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच एंड एवरी, एक साथ भी आता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। चलिए सबसे पहले ईच का देखते हैं। ईच कहाँ यूज होता है? फॉर, टू और मोर देन टू, दो के लिए यूज हो सकता है और दो से ज्यादा के लिए भी। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देयर वर टू, थ्री, फोर, टेन बॉयज। देयर वर टू, थ्री, फोर, टेन बॉयज, चाहे दो बॉयज हो या तीन हो या चार हो या दस बॉयज है, मोर देन टू, टू होने चाहिए, टू हो सकते हैं या टू से ज्यादा हो सकते हैं, इसके लिए हम ईच का यूज करेंगे, याद रखना। देयर वर टू, थ्री, फोर या टेन बॉयज, दो और दो से अधिक के लिए हम ईच का प्रयोग कर सकते हैं। देयर वर टू, थ्री, फोर, टेन बॉयज, दो बच्चे हैं, दो बॉयज हैं, तीन बॉयज हैं, चार बॉयज हैं या फिर दस बॉयज हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसके लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज होगा? ईच बॉय वाज हैंडसम, हर प्रत्येक बच्चा हैंडसम था। दस बॉयज थे, चार बॉयज थे, तीन बॉयज थे, दो बॉयज थे, और प्रत्येक बच्चा हैंडसम था, प्रत्येक बॉय हैंडसम था, तो फिर हम क्या यूज करेंगे? ईच यूज करेंगे। चलिए और देखते हैं, एवरी का यूज कहाँ होता है? एवरी
ईच एंड एवरी दोनों का यूज, मोर देन टू के लिए, यानी कि हमको टू के लिए हम एवरी का यूज नहीं कर सकते, टू के लिए एवरी का यूज नहीं कर सकते, मोर देन टू दो से ज्यादा के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल का दिया हुआ है, देयर वर थ्री बॉयज, तीन बॉयज थे, ईच एंड एवरी, या फिर एवरी बॉय वॉज इंटेलिजेंट, प्रत्येक बच्चा इंटेलिजेंट था। तो दो के लिए तो हम ईच का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर दो से ज्यादा है तो ईच एंड एवरी करना पड़ेगा, या फिर सिर्फ एवरी का यूज कर दीजिए। ये याद रखना, ये समझने वाली बात है, यहाँ पर सावधानी रखने वाली बात है, क्योंकि दो के लिए तो हम ईच का यूज कर सकते हैं, दो के ज्यादा के लिए यूज कर सकते हैं हम ईच का, लेकिन जब दो से ज्यादा हो, सिर्फ दो की बात नहीं हो, तो फिर आप एवरी यूज करेंगे या फिर ईच एंड एवरी यूज करेंगे। चलिए आइदर और नाइदर का देख लेते हैं। आइदर नाइदर का यूज होता है फॉर ओनली टू, सिर्फ दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए नहीं, सिर्फ दो के लिए हम यूज करेंगे आइदर या फिर नाइदर। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू नॉवेल्स ऑन द टेबल, नॉवेल्स कितने रखे थे टेबल पे, दो। देयर आर टू नॉवेल्स, दो नॉवेल्स रखे हैं टेबल पे, नाइदर नॉवेल इज इंटरेस्टिंग, कोई भी नॉवेल इंटरेस्टिंग नहीं है। तो दो रखे हैं, कितने रखे हैं, दो, तो दो के लिए हम लोग नाइदर का यूज करें। ओके चलिए आगे देखते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हमने क्लासिफाई किया इसको, इसको दो भागों में बांट दिया है, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट, दिस दैट दिस दोज सच द सेम टू द अदर, और इनडेफिनिट को हमने बांट दिया है असर्टेन, अनदर, अदर, सेम, एनी अदर। हाँ, दिस दैट दिस दोज का यूज तो हमने डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कायदे से पढ़ लिया है ना, किसका यूज कहाँ पर होगा, तो इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं, ए एन या फिर सर्टेन या फिर अनदर या फिर दिस या फिर दैट, ये बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, याद रखना, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है, क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। ए एन सर्टेन अनदर दिस या फिर दैट के बाद में जो जो नाउन यूज होगा ना, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, याद रखना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, दिस के बाद में, दैट के बाद में, अनदर के बाद में, सर्टेन के बाद में, एन के बाद में, ए के बाद में, जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, अ सर्टेन बॉय, अ सर्टेन बॉय, करेक्ट है, करेक्ट है, और असर्टेन वॉयस इनकरेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि असर्टेन, सर्टेन के बाद में, असर्टेन के बाद में क्या आएगा, वो आएगा सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन आएगा, प्लूरल नाउन नहीं आएगा, प्लूरल आएगा तो फिर रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट इज अनदर पेन, अनदर पेन राइट है, अनदर पेन राइट है, अनदर पेन रॉन्ग है, क्योंकि जब अनदर के बाद में यूज होने वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर यूज होगा। नेक्स्ट इज सच द सेम द अदर एनी प्लस सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन, सच के बाद में, द सेम के बाद में, द अदर के बाद में, या फिर एनी के बाद में, सिंगुलर या फिर प्लूरल दोनों तरह के काउंटेबल नाउन का यूज किया जा सकता है, दोनों तरह के नाउन, सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के नाउन यूज होते हैं। जैसे सच अ बुक, तो यहाँ पर सच आ के बाद में सिंगुलर आ रहा है, और सच बुक्स, यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत है, सच आ आता है तो फिर हम सिंगुलर यूज करेंगे, और सिर्फ सच आता है तो फिर हम प्लूरल यूज करेंगे। ओके, एनी के साथ में क्या होता है, एनी के साथ में सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज हो सकता है, एनी बुक या फिर एनी बुक्स दोनों यूज हो सकता है। और द सेम के बाद में भी, द सेम के बाद में सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज हो सकते हैं, द सेम बुक भी हो सकता है और द सेम बुक्स, ये वही किताबें हो सकती है या फिर वही किताब, दोनों हो सकता है,
सेम बुक और द सेम बुक्स सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों यूज हो सकते हैं. दीज दोज सर्व एन अदर प्लूरल काउंटेबल नाउन. दीज के साथ में, दोज के साथ में, सर्टेन के साथ में ये क्या यूज होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन. ठीक है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन याद रखना. अनदर आता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करिए, अनदर आता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करिए, और अगर अदर आता है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करिए. इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं प्रीवियस एग्जाम्स में. अदर आता है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करना है, और अनदर आता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करना है. ओके, सर्टेन आता है तो फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होगा. सर्टेन आता है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होगा. असर्टेन आता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होगा. याद रखना, असर्टेन आता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सर्टेन आता है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनदर आता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और अगर अदर आता है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन. बिल्कुल रट लीजिए ये दोनों बातें. चलिए फिर से थोड़ा सा बैक करके रिवाइज कर लेते हैं. पॉजेसिव केस में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, ये सब वर्ड्स आते हैं. और ये सब जो वर्ड्स है ना, ये किसी नाउन से पहले आते हैं. किसी नाउन से पहले यूज होने वाला जो वर्ड होगा वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव ही कहलाएंगे. ओके, और चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव है जिसमें ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच एंड एवरी आता है, तो ईच का प्रयोग दो के लिए हो सकता है और दो से ज्यादा के लिए भी हो सकता है. जैसे कि देयर वर 2, 3, 4 या 10 बॉयज, ईच बॉय वाज हैंडसम, तो ईच हम दो के लिए भी यूज कर सकते हैं, 3 के लिए, 4 के लिए, 10 के लिए. जबकि जो एवरी होता है उसका यूज दो के लिए नहीं कर सकते, मोर देन 2 के लिए कर सकते हैं. आइदर नाइदर का यूज सिर्फ दो के लिए किया जा सकता है. ओके, और जो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज हमने बताया था जो आपको बार बार देखने को मिलेगा. इससे रिलेटेड, इससे बने हुए जो प्रॉब्लम्स है आपको मिलेगी. अनदर और सर्टन, इस पे ध्यान रखना. अनदर और असर्टन जो है वो सिंगुलर नाउन लेंगे, और सर्टन और अदर्स, अदर जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन लेंगे. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.